आपको क्या लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र का अंत हुआ उसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या शेख हसीना की गलत नीतियां इसकी वजह है, या उसको गलत तरीके से डिक्टेटर बता के लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया जिससे कि वहां की जो आवाम है वो भड़के सड़कों पर उतरे, या सिर्फ आरक्षण इसकी वजह होगी? और क्या भारत में भी बैठे कुछ लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसा माहौल भारत में हो? ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आप इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको वो शेयर करूंगा। और किस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को भी ये डिक्टेटर करके बुला रहे हैं, और इसके पीछे की पूरी क्या वजह है, आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इमीडिएट लागू हो इस लड़ाई को मैं पिछले कई सालों से लड़ रहा हूँ, सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ा है ताकि इन जैसे वनवासी बच्चों को आरक्षण का पूरा फायदा मिल सके। मैं स्वयं इनके बीच में जाता हूँ, शिक्षा और सनातन संस्कृति के प्रति इनको जागरूक करता हूँ। अगर आप भी मेरे इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, अगर साथ देना चाहते हैं, तो ये मेरी जानकारी है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को बताया बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था आरक्षण को लेकर। वहां के लोगों का कहना था कि जो स्वतंत्र सेनानी है उनको 30% जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये खत्म किया जाए। हालांकि ये रिजर्वेशन जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी थी उनके परिवारों के लिए दिया गया था, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो कहे थे कि इनके ही बच्चे नौकरी में मिलते हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको नौकरी में आने का मौका नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे दिया था कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, बावजूद उसके लोग सड़कों पर उतरे। 3 लाख से भी ज्यादा लोग ढाका पहुंच गए, बांग्लादेश की जो संसद है उसको घेर लिया, प्राइम मिनिस्टर के हाउस को घेर लिया, और लोग घर के अंदर किस तरीके से घुसे थे और किस तरीके से चीजों को लूटा गया था वो आप सभी को पता है। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना अपनी बहन के साथ वहां से भागकर अपनी जान बचाती है। ये बांग्लादेश में डेमोक्रेसी का अंत नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सच्चाई आपको देखने को मिलेगी अगर आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों के साथ गलत जानकारी शेयर करके लोगों को सड़कों पर उतारा जाता है। हालांकि ये चीजें भारत में पहले हो चुकी है लेकिन यहाँ उनके मंसूबे सफल नहीं हुए, लेकिन जब अभी बांग्लादेश में ये चीज सफल हो गई तो उसके बाद लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ इंडिया में ना हो, तो इंडिया के जो डिक्टेटर हैं वो थोड़े समझ जाए, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़े समझ जाए। ये लोग जो कहने वाले हैं ये सब भारत के ही हैं, लेकिन किस तरीके से भारत की बर्बादी चाह रहे हैं आप खुद सोचिए। और अभी एक पैटर्न के तहत सोशल मीडिया पर कुछ हैंडल्स ऐसे हैं जो गलत जानकारी शेयर कर रहे हैं, व्यंग के रूप में चीजों को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है, देखिए हमारे देश का डिक्टेटर कुछ नहीं कर रहा, देखिए हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, और एक पैटर्न के तहत सेम कॉपी पेस्ट ट्वीट किए जा रहे हैं। आप इस ट्वीट को देखिए, किस तरीके से मोहतरमा कह रही है कि मेरे को मुंबई से कोलकाता की जर्नी करनी थी, मैंने फ्लाइट में ये जर्नी की तो मेरी लगभग 9,000-10,000 की टिकट हुई, उसके अलावा मैंने 490 रुपए के 2 समोसे लिए, चाय ली, पानी लिया, तो एयरपोर्ट पे इतनी महंगाई है देखिए, और मैं ये सब चीजें कहां से अफोर्ड करूंगी, मेरी सैलरी 17,000 रुपए है। तो पहली बात, 17,000 सैलरी वाला व्यक्ति प्लेन से क्यों जाएगा, उसके लिए दूसरे बहुत सारे विकल्प है, लेकिन चलो ठीक है, इनका शौक हुआ ये गए, बावजूद उसके ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, और वो भी खुद की नहीं, लोगों की कॉपी पेस्ट की हुई चीज। अब यही सेम ट्वीट बहुत सारे ट्विटर हैंडल ने कर रखा है, आप खुद देखिए। तो इस तरीके का पैटर्न चलाया जा रहा है। जब इनसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ट्रेन से जाइए, तो ये नीचे लिख रहे हैं कि ट्रेन में जाना सेफ नहीं है, ट्रेन के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। अब देखिए, इंडिया में जो लगातार ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं ये भी एक पैटर्न के तहत हो रहे हैं। एक कम्युनिटी के लोग, एक विचारधारा के लोग रेल की पटरी पर जाकर साइकिल रख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग सिक्के रख रहे हैं, बहुत सारी चीजें पटरी के ऊपर रखी जा रही है, पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें हो रही है, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, बाबा अमरनाथ की यात्रा करते वक्त, केदारनाथ जाते वक्त, ये वैष्णो देवी जाते वक्त कितनी ही खबरें हमको देखने को मिलती है, अमरनाथ जाती हुई यात्रियों की बस पलटी, वैष्णो देवी जाते हुए यात्रियों की बस पलटी। ये जो बस और गाड़ी पलटने की खबरें आती है ये सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में जाने वाले लोगों के लिए क्यों आती है, बाकी अदर में क्यों नहीं आती? आप पूरी चीज को ध्यान से विश्लेषण करिए और खुद समझिए। हमारे देश में पिछले कई सालों से एक सोच के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक जैसी सोच सब जगह तक पहुंचती है और उस सोच के ऊपर लोग काम करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की जो अभी छवि बनाई जा रही है वो इस तरीके से बनाई जा रही है कि जिससे लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हो, तो लोगों को गलत तरीके से गलत जानकारी देकर उनको उकसाया जा रहा है ताकि लोग सड़कों पर उतरे, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अभी पहले आपको उकसाया जाएगा, आपके अंदर गुस्सा भरा जाएगा, और फिर जब मौका मिलेगा तो ये लोग आपके गुस्से का पूरा पूरा फायदा लेंगे और जो देश की डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे। आप देखिए किस तरीके से हमारे देश के जो कॉरपोरेट है उसको खत्म करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए एक विदेशी जांच एजेंसी का सहारा लिया जाता है, उसकी एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को फिर भारत के जो विपक्ष के नेता है और इन जैसे ट्विटर हैंडल जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, गलत कैप्शंस लिखते हैं और गलत कैप्शंस के साथ लोगों को उकसाते हैं कि देखिए मोदी जी सारा पैसा अडानी को दे रहे हैं, अंबानी को दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आपके मन में सिर्फ और सिर्फ झूठ भरा जा रहा है, आपके मन में सिर्फ नफरत भरी जा रही है, आपके मन में सिर्फ गलत जानकारियां भरी जा रही है, और इस तरीके से ये लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ये काफी समय से हो रहा है लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। आज हमारा देश बाकी हमारे पड़ोसी देशों से कई अच्छा है।
आज हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। आज हमारा देश हर चीज में परफेक्ट बनता जा रहा है। आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति हमारा देश में एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रहा है, उसके अंदर अपना रिचार्ज करवा है, सारी सुख सुविधाएं हो रही है। आज कहीं से भी कहीं तक कोई आदमी भूखा नहीं सो रहा है, सब सुख सुविधाएं लोगों को मिल रही है। बावजूद उसके हमारे देश में जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे देश में ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है। तो ये कहां तक सही है? इस तरीके का विपक्ष और इस तरीके की विपक्ष की हरकतें किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो अपने जो ट्विटर हैंडल वाले लोग हैं, अपनी आईटी सेल है, उसको थोड़ा कंट्रोल करें और इस तरीके के फेक ट्वीट फैलाने से उनको रोकें। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की छवि खराब करने के चक्कर में आपकी पूरी छवि को खराब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।